सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मोहित और आप देख रहे हैं टेक मोहित। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी पीसी बिल्ड करने के लिए, जो हम पीसी बिल्ड करना चाहते हैं उसके लिए हम एक चीप कंपोनेंट कहाँ से बाय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो उसमें आता है हमारा वो है ऑफलाइन सर्चिंग। तो देखिए, किसी भी कंपोनेंट को बाय करने से पहले, चाहे आप ऑफलाइन ले रहे हो चाहे ऑनलाइन, आपको प्राइस देख लेना चाहिए एक बार नेट खोल के कि जो कंपोनेंट आप बाय करना चाहते हैं वो अमेज़ॉन पर सस्ता है, ऑफलाइन महंगा है, या ऑफलाइन सस्ता है अमेज़ॉन पर महंगा है। तो आपको थोड़ी सी प्राइस की कंपेयरिंग करके चलनी चाहिए जिससे कि आपके जो पैसे हैं वो बच जाए, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग हो जाए कि जब आप एक पीसी पार्ट में ज़्यादा पैसे लगा दें और एक पीसी पार्ट में कम, अकॉर्डिंग टू आपकी नीड। और जो दूसरा है फ्रेंड्स वो है न्यू कंपोनेंट्स और ओल्ड कंपोनेंट्स में। देखिए, न्यू कंपोनेंट्स आप ले सकते हैं अमेज़ॉन से, एमडी कंप्यूटर्स हो गई, और कभी कभी एक्सप्रेस पे भी मिल जाते हैं नए कंपोनेंट्स। और वहीं हम बात करें यूज्ड की, अगर हम यूज्ड के सेक्शन में चलते हैं कि हमें यूज्ड रैम्स लेनी है, मदरबोर्ड लेने हैं, ग्राफिक कार्ड, एसएसडी, हार्ड ड्राइव्स, तो उसके लिए जो मैं बेस्ट ऑप्शन चूज़ करता हूँ वो है अली एक्सप्रेस। आप अली एक्सप्रेस से भी ले सकते हैं और आप ले सकते हैं क्विकर, ओएलएक्स से भी ले सकते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा आप अपने घर के पास सोचेंगे कि हाँ मुझे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के भी ना जाना पड़े, मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर ना जाना पड़े किसी कंपोनेंट को लेने के लिए, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी जो लोकल कंप्यूटर मार्केट है वहाँ से पीसी पार्ट्स को परचेज़ करें। देखिए, अगर आपके घर के पास कोई दुकान नहीं है, कोई मार्केट नहीं है कंपोनेंट की, तो हाँ आप मंगा सकते हैं अमेज़ॉन पर, वरना मैं आपको रिकमेंडेशन ये देता हूँ कि ऑफलाइन मार्केट पे प्राइस बहुत सस्ते होते हैं लिटरली कंपेयरिंग टू द ऑनलाइन मार्केट। क्योंकि ऑनलाइन मार्केट में देखिए पैसे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि आपने प्रोडक्ट मंगाया, मान लीजिए उसकी कॉस्ट है 1800 रुपये, उसमें शिपिंग लगी 100 रुपीज़, उसके बाद उसका जो सर्विस चार्ज था वो लगा 20 रुपीज़, तो आपके 120 रुपये तो ऐसे ही भूख गए। और यही अगर आप बाय करते हैं ऑफलाइन में तो आप ऑफलाइन जाके उनसे पहले पूछ सकते हैं कि इस पे वारंटी कितनी है, गारंटी कितनी है। सेम सिनेरियो आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाता है, लेकिन ऑफलाइन में आप जानते हैं कि आप किस इंसान से ले रहे हैं, कैसी शॉप है, रिकमेंडेड है कि नहीं। और एक टिप और मैं आपको देना चाहता हूँ कि पीसी कंपोनेंट बाय करने से पहले अगर आप ऑफलाइन बाय कर रहे हैं तो एक टिप है, आप एक ही शॉप से पीसी पार्ट्स को ना बाय करें, आप अलग अलग दुकान पे जाएं, वहाँ चेक करें कि आपको क्या प्राइस मिल रहा है। जैसे कि मैंने एक पावर सप्लाई ली थी, वो थी आईबॉल की मैराथन 500 वॉट की पावर सप्लाई, मुझे एक शॉप पे 1800 रुपये की पड़ी, एक शॉप पे थी 1750 रुपीज़ की और एक शॉप पे मुझे मिली 1650 रुपीज़ की। तो मुझे जो बेस्ट डील मिली वो थी 1650 रुपीज़, तो मैंने वहाँ से बाय की, जिसमें कि हमें 3 साल की वारंटी मिलती है और 1 साल की गारंटी। तो ये देखिए मेरी जो कॉस्ट कटिंग हुई कितनी हो गई, करीबन 250 रुपीज़ मैंने अपने एक पीसी पार्ट पे सेव कर लिए। आप एसएसडीज लें, आप रैम्स, मदरबोर्ड कुछ भी लें, अगर आप यूज़ लेना चाहते हैं तो अली एक्सप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट से ले सकते हैं, अली एक्सप्रेस, क्विकर, ओएलएक्स, और देखिए यूज मार्केट्स भी होती हैं बहुत जगह, नेहरू प्लेस है, नेहरू प्लेस में भी बहुत दुकानें हैं सेकेंड हैंड पीसी पार्ट्स के लिए। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं रिकमेंडेड है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। अगर आप जाते हैं कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, कभी आपको डैमेज प्रोडक्ट ना मिले, तो आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं और फ्लिपकार्ट से। और यहीं बाय करना चाहते हैं आप यूज्ड में जैसे कि 750 Ti, जो कि आपको नहीं मिलता है अमेज़ॉन पे, तो आप उसको इजीली बाय कर सकते हैं अली एक्सप्रेस पे। ठीक है, अली एक्सप्रेस पे से सामान बाय करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसको आने में ज़्यादा टाइम लगता है, मोर देन अमेज़ॉन, मोर देन फ्लिपकार्ट। देखिए, ये सब इंडिया से प्रोडक्ट शिप करती हैं, लेकिन जो अली एक्सप्रेस है वो चाइना से डायरेक्ट इंडिया हमारे प्रोडक्ट को शिप करता है, तो इसीलिए उसको हमारे तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगता है। और कस्टम्स कुछ नहीं लगेंगे आपको, बस आपको जो अमाउंट होना चाहिए वो होना चाहिए less than 5000। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। जो टिप्स मैंने आपको दी हैं अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको पीसी पार्ट्स को बाय करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं कल।